अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इंडिया स्टेट्स की तरफ से आपको अपने चैनल में वंस अगेन वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, कल जो पेपर हो चुका है डीएम का, इस पेपर का मैं तकरीबन मैथ साइंस इस तरह पाक स्टडी करंट अफेयर की जो एमसीक्यूज है इसकी वीडियो मैंने अपलोड की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपका पीएसटी का टेस्ट भी है। तो इसी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंग्लिश पार्ट, जो एक्चुअली इसमें 15 क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 20 हो सकते हैं, लेकिन 5 इसमें मिसिंग है। तो आज मैं इस वीडियो में वो 15 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। तो लेट इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये इंग्लिश पार्ट है, और ये जो पेपर है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये ड्राइंग का पेपर है, ड्राइंग मास्टर डीएम का पेपर है, बीबीएस 15 है, और ये जो पेपर एक्चुअली इसका कलर है ग्रीन 2020 है। तो लेट अब इसको स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कंप्लीट सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम गिवन लेटर ए टू डी। यहाँ पर आपने अप्रोप्रिएट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट या जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपने लगाना है। द टू फ्रेंड्स सेटल एट, दो जो फ्रेंड्स हैं वो सेटल हो गए देमसेल्फ बिटवीन फॉर एन एनिमल। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए, क्योंकि बिटवीन हम यूज़ करते हैं टू फ्रेंड्स, टू मतलब अगर ये टू थिंग्स के दरमियान कंपेरिजन है, इसके दरमियान कोई रिलेशन है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बिटवीन। अगर हम ये तो टू से ज़्यादा है तो इसके लिए बात हम यूज़ करते हैं एमंग। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, द विजडम सॉलोमन इज फेमस फॉर। तो ये एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन बी है, द विजडम ऑफ सॉलोमन इज फेमस। क्वेश्चन नंबर थ्री, दैट इज वेरी काइंड। तो दैट इज वेरी काइंड यू आई थैंक हिम। तो दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू, ये आप ही की तरह है, तो इसका मीनिंग है आई थैंक हिम, और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फोर है, शी इंसिस्टेड Going Lahore. तो she insisted for going. तो यहाँ पर तो for हुआ, अब ये option या option तो ठीक है, तो going to Lahore. तो correct option हुआ option B. Question number 5 है, cotton in America, Egypt and Pakistan. कॉटन जो है ये ग्रोस करते हैं या ग्रो करते हैं अमेरिका, इजिप्ट या पाकिस्तान में, तो यहाँ पर जो है प्लूरल है, तो ऑप्शन इसमें ए करेक्ट है, ये ग्रोस करते हैं अमेरिका, इजिप्ट एंड पाकिस्तान में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है इस पार्ट में है, फोर लेटर वर्ड आपको गिवन है, आपने इन दोनों ये जो फोर पेयर ऑफ वर्ड्स है या इस तरह के इनके जो दरमियान जो रिलेशन है, इसी रिलेशन वाली आपने यहाँ पर ढूंढना है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो डार्क एंड लाइट। अब डार्क और लाइट को अगर आप इसको गौर से देखते हो तो ये एक दूसरे के एंटीनम्स है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। अब लिटिल बैग पैट और हेवी स्मॉल टेनी मॉडल्स एवरेज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि लिटिल और बैग जो है ये एक दूसरे की एंटीनम है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रिकेट प्लेयर। अब एक होता है ये गेम है, जबकि दूसरा है इसका जो इसको हम कहते हैं खिलाड़ी या प्लेयर है, ये जो ये गेम खेलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि पेंटिंग आर्टिस्ट, अब पेंटिंग वो प्रोसेस है जिस तरह क्रिकेट प्रोसेस है, और प्लेयर यहाँ पर आदमी एक खिलाड़ी हो सकता है, तो यहाँ पर आर्टिस्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो गया ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, डे एंड वीक। अब डे एक एंड वीक है, दोनों एक सेम यूनिट है टाइम का। अब डे जो है ये स्मॉल यूनिट है, जबकि वीक में 7 डेज होता है। अब नवंबर दिसंबर या हावर एंड टाइम एंड संडे एंड हॉलीडे इज नॉट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, मंथ एक है जबकि दूसरा है ईयर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फ्रॉम 9 to 10। इसमें क्या है, यहाँ पर एक फरी ग्राफ गिवन है। ऑल्दो नॉट लॉन्गेस्ट रिवर इन अमेरिका द रियो ग्रैंडी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस तरह है कि रियो ग्रैंड ये अमेरिका में है और ये इतना लॉन्गेस्ट रिवर नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। बट अनलाइक अदर सिग्निफिकेंट रिवर इट इज नॉट यूज फॉर शिपिंग, लेकिन ये शिपिंग के लिए भी यूज नहीं होता। इनफैक्ट ocean going ships cannot navigate the water, know what makes the Rio Grande so important at its location. जब इसके location इस तरह है कि important है, since 1846 it has been the official border of Texas and Mexico. और ये 1846 में Mexico और Texas की border था, official border था। तो option यहाँ पर question number है 9, in which country is Rio Grande? तो अभी मैंने आपको बताया ये है America में, option D यहाँ पर correct result है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसी पैराग्राफ से है, राव ग्रैंडो इज एट द बॉर्डर ऑफ, तो ये अभी मैं आपको बताया ऑप्शन सी करते हैं, टेक्सास एंड मेक्सिको के बॉर्डर पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट है, चूज द लेटर वर्ल्ड फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड एंड कैपिटल लेटर। अब आपने इस तरह लफ्ज को इकट्ठा करना है या इसको चूज करना है जो अपोजिट मीनिंग में होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 11 है लव, अब लव जो है ये हम इसको कहते हैं हैप्पी जैसी मोमेंट होता है, या यहाँ पर जो इसका एंटीनम है यहाँ पर ये है वेब रोना, यहाँ पर वेब ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रोटेक्ट्स, अब प्रोटेक्ट्स है किसी को डिफेंड करना, किसी को सिक्योर करना, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हुआ, चूंकि हम इसका अपोजिट मीनिंग चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी डिस्ट्रॉय करना, इसको हार्म करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है पनिश, पनिश देने से सजा देना है, तो यहाँ पर है ऑप्शन ए रिवार्ड, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है मॉडर्न, अब मॉडर्न जो है रीसेंट होता है या अपडेटेड हम इसको कहते हैं, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ ऑप्शन डी ये एंशिएंट पुराना। क्वेश्चन नंबर 15 है बर्थ, तो यहां पर बर्थ पैदाइश है, तो एक्चुअली एनिवर्सरी डिस्क्रिप्शन एंड लाइफ, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है इसका अपोजिट वर्ड है डेथ, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ ऑप्शन सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, इस तरह चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।